कार्यालय में दो दिन पहले कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बयानबाजी पर मचा बवाल, थम नहीं पाया। इस मामले पर बड़ी सादगी से पार्टी प्रत्याशी रहे बद्रीलाल जाट जगरपुरा बैकफुट पर आ गए। इसके बाद पार्टी जिलाध्यक्ष भैरोलाल चौधरी के साथ पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से मुलाकात की, जहां चौधरी पर भरोसा जताया और बड़ी सादगी में अपनी हार के लिए स्थानीय नेताओं पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि मतदान केंद्र वार मतदान और पार्टी को मिले मत प्रतिशत खुद स्थानीय लोगों की कारगुजारी को उजागर करते दिखाई देते हैं। बयानबाजी का मामला जयपुर तक पहुंच के ऐसे में जिलाध्यक्ष और जगपुरा बचाव की मुद्रा में आ गए। आनन फानन में पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाकर जगपुरा के बयानों पर स्पष्टीकरण दिया। संगठन के स्थापना दिवस पर जगपुरा ने भैरवलाल चौधरी के साथ साथ पार्टी नेताओं को हार के लिए जिम्मेदार करार दिया और स्पष्टीकरण देते हुए कपासन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि जगपुरा ने शंकरलाल बैरवा के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पिछले दो चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया। यदि आनंदीलाल खटीक को टिकट मिल जाता तो परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन जैसे ही पार्टी ने बैरवा को अपना प्रत्याशी घोषित किया, बड़े सादरी क्षेत्र में प्रत्याशी होने के बावजूद अपने गाँव रूद पहुंची और वहाँ पार्टी प्रत्याशी के लिए मतदान। मेरा आप बूथ उठा लीजिए, चुनाव का कुल 307 बूथ है। हमेशा जिन बूथों से कांग्रेस कोई 10-20% बूथ ऐसे थे जहां कांग्रेस जीतती है वहां से मैं जीता, लेकिन 80% बूथ वो थे जहां से मैं चुनाव हारा, और या फिर जहां हराया गया वहां पे हार का जो दायरा था वो बढ़ता गया अलग अलग बूथों पर, और ये तो आप सबको मालूम है और जितने भी लोग हैं सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी हाई लेवल के पदाधिकारी थे, चाहे प्रदेश लेवल के थे, जिन उन सब ने एक ने भी आके मेरे चुनाव में प्रचार करके या मेरे साथ में एक दिन कोई भी पदाधिकारी जो बड़े लेवल के थे या जो टिकट के दावेदार थे उनमें से एक भी आके किसी मंच पर या सार्वजनिक रूप से आके मेरे साथ में न तो फोटो खींचे या प्रचार।